ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम सुदामा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट लिया है और अब आप चाहते हैं कि उसे कैंसिल कर देना तो कैसे करेंगे। सो गाइस, कैंसिल करना मतलब कि अगर आपने कोई ऑर्डर किया और वो आपके घर तक नहीं पहुँचा है तब तक तो आप कैंसिल कर पाएंगे, लेकिन अगर वो आपके घर पर डिलीवर हो गया तो उसके लिए प्रोसेस अलग होता है। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने ऑर्डर किया है, आपके घर तक वो ऑर्डर नहीं पहुँचा है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो एक कैंसिल कैसे करेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि आपके घर पर मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने ऑर्डर कर लिया और आप घर पर लेने के लिए अवेलेबल नहीं है, या आपको किसी दूसरे वेबसाइट पर सस्ता दिखा, आप चाहते कि वहाँ से ऑर्डर करें, तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। फ्रीली आप यहाँ पर कैंसिल कर पाएंगे। सो एक बात और बताता हूँ कि अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट किया होगा कोई सामान लेते हुए, यानी जो आप कैंसिल करने वाले हैं, तो उसका पेमेंट आपको कितने दिन में वापस आएगा, और इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि पेमेंट आपका वापस कितने दिन में आता है। और अगर सीओडी किया होगा तो कोई पेमेंट आपको वापस नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से होता कैसे कैंसिल करना। सो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जो दिख रहा है आप इसे जरूर प्रेस करिए जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपको अमेज़ॉन ऐप ओपन करना है, जैसे कि मेरा ओपन है फिलहाल, और यहीं पे आपको अपना उस अकाउंट से लॉगिन करना है या आपका ऑलरेडी लॉगिन होगा जिससे कि आपने ऑर्डर किया था, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन करने का थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे थ्री लाइंस पे, तो थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मेरा हेलो और योर नेम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा साइन इन, ठीक है, हेलो साइन इन दिखेगा। तो आप यहाँ से अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, और थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ नंबर दिख रहा होगा योर ऑर्डर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर होगा रिसेंट में, जो भी आपने ऑर्डर किया होगा वो सारा शो करेगा। फिलहाल मेरे अकाउंट में एक ही ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो ऑर्डर दिख रहा है, और यहीं पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रैक पैकेज, कैंसिल आइटम, तीसरा ऑप्शन है व्यू ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर कैंसिल आइटम का ऑप्शन यहीं पर मिल रहा है, लेकिन आप चाहें तो ट्रैक ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रैक पैकेज पे, यहाँ पे भी आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि आपका ऑर्डर अभी कहाँ पहुँचा है, क्या हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सिर्फ ऑर्डर हुआ है, अभी शिप नहीं हुआ है, और शिप होने के बाद वो आउट फॉर डिलीवरी के लिए जाता है, उसके बाद आपके घर पर पहुँचता है। तो फिलहाल अभी ऑर्डर हुआ है, तो इसके बाद आपको कैंसिल करने का ऑप्शन दिखाई देता है नीचे, थोड़ा नीचे आएंगे, ऑर्डर इन्फो में करेंगे तो भी ऑर्डर डिटेल्स है, और सेकेंड वाला है कैंसिल ऑर्डर। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे कह रहा है रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपने कोई पेमेंट किया होगा तो 3 to 5 बिजनेस डे में आपको पेमेंट वापस किया जाएगा, और अगर आपने कोई प्रमोशनल यानी कि कोई ऑफर लगाया होगा जैसे कि कोई डिस्काउंट ऑफर, तो आपको यहाँ पे वो खो देंगे, वो आपको डिस्काउंट ऑफर फिर से वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब लिख रहा है, और इसके बाद लिख रहा है रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, और इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको रीजन लिखना है, चाहे तो ऑप्शनल है, और यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला है ऑर्डर क्रिएटेड बाई मिस्टेक, यानी कि गलती से हमारा हो गया है, और उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि प्राइस हाई है तो यहाँ पे प्राइस हाई पे कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ऊपर वाला ऑर्डर करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑर्डर क्रिएटेड बाई मिस्टेक, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट कैंसिलेशन। तो हमारा यहाँ पे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ले लिया गया है। यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपका ऑर्डर जो है प्रिपेयर हो रहा था शिपमेंट के लिए, तो हम अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा सेलर होगा, इनका सेलर होगा, उन्हें बोलेंगे कि ये कैंसिल कर दे, और आपको ईमेल द्वारा बता दिया जाए कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर कैंसिल हो ही जाएगा। और अगर आपने कोई पेमेंट किया होगा तो जैसे मैंने आपको बताया 3 to 5 डेज में हो जाएगा पेमेंट वापस, लेकिन हमारा जो COD था यानी कैश ऑन डिलीवरी था, तो यहाँ पे कोई हमें पेमेंट वापस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिटेल बता रहा है कि कितना, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट किया होता कितना पेमेंट आपका वापस होता। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।